Chào. जी अभी थोड़ी देर पहले नवीद अशकबीर के सियालकोट के गांव और नई आबादी पठान वाली में मजलिस पढ़ते हुए जो कि कातलाना हमला हुआ मेंबर पार्क पे और जिसमें उनको दो गोलियां लगी हैं और इस वक्त वो अस्पताल में एडमिट है ले गई हैं और उनका जिसने उन पे गोलियां चलाई हैं उनका कातिल भी पकड़ लिया गया है और उसको यहाँ पे कैद किया हुआ है। और कोई लाइव वाला था जो कि किसी ने उसको बुलाया भी नहीं था और वो लाइव करने के लिए यहाँ पे आया था। उसने मजलिस पढ़ते हुए दुरान मुसाहब जाकिर नवीद अशकबीर ऑफ लाहौर कातलाना हमला कर दिया। इस वक्त उनको सियालकोट के हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में एडमिट एक कर चले गए हैं। सियालकोट के गांव नई आबादी पठान वाली में जाकिर नवीद अशकबीर पे मजलिस पढ़ते हुए कातलाना हमला जो कि मेंबर पार्क पे हुआ था और एक लाइट चलाने वाला आया था जो कि किसी ने उसको बुलाया भी नहीं था। उसने उन पे दौरान मजलिस मुसाह पढ़ते हुए दो गोलियों से जख्मी कर दिया। हेलो वालेकुम सलाम। हाँ ठीक ठाक शुक्र है मौला दा। जी 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 जाकिर नवीद अशकबीर ये जो कि अभी थोड़ी पहले सियालकोट के गांव नई आबादी पठान वाली जो कि करबला सीधा सियालकोट के नज़दीक है वहाँ पे मजलिस पढ़ने के लिए आए थे तो उन पे दौरान मजलिस मुसाह पढ़ते हुए एक नामलूम अपराध ने फायरिंग करके उनको काफ़ी ज़ख्मी कर दिया जो कि वो इस वक्त सियालकोट के हॉस्पिटल में एडमिट हैं सिविल हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं और उनको जिसने गोली लगाई उनको पकड़ लिया गया है। तमाम मोमिनीन व मोमिनात से गुजारिश है कि उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआएं करें उनकी हालत काफ़ी नासाज है। यहाँ पे मजलिस पढ़ते हुए उन पे जो है ना गोलियों से हमला किया गया है एक नामलूम अपराध जो कि लाइव करने के लिए आया था और उसको किसी ने बोला भी नहीं था तो उसने दौरान मजलिस जाकिर नवीद अशकबीर पे मजलिस कातलाना हमला कर दिया।